आप सबका स्वागत है प्राकृतिक खेती के इस नए व्लॉग में। तो आज मैं आप सबको दिखाने वाली हूँ प्राकृतिक खेती के अनोखे परिणाम, जिनको देखकर आप भी प्राकृतिक खेती करने के लिए विवश हो जाएंगे। तो दिल थाम के बैठिए, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि हमने लगाया था लहसुन बिल्कुल छोटा सा मरा सा, और देखो आप भी कि उस लहसुन के रिजल्ट्स किस तरह से चल रहे हैं। उसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा बढ़िया हुई है कि केमिकल वाले लहसुन को भी वो फेल कर रहा है। तो इतने अमेजिंग से रिजल्ट्स आ रहे हैं हमारे खेतों के। तो ये कोई झूठी बातें नहीं कर रही हूँ मैं, प्रूफ के तौर पर आप मेरे चैनल पर विजिट करके उसमें मैंने स्प्रेज जितनी भी दी थी वो मैंने सारी वीडियोज़ भी शेयर की है, वो भी आप देख सकते हो। और जितना मैंने बरसीन है ये भी हमारा नेचुरल में है, जीवामृत घन जीवामृत सब कुछ डाला था, प्याज भी और हमारी कनक भी हमारे मटर भी। तो ये सारे जितने भी प्रोड्यूस है ये हमारे नेचुरल में है और सभी बहुत बेस्ट चल रहे हैं। तो देखो आज का पूरा व्लॉग। एवरीवन वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग ऑफ प्राकृतिक खेती। इतना थोड़ा इंट्रो दे देती हूँ पहले मैं कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से हूँ। तो मेरा नाम है निकिता और मैं हूँ हिमाचल प्रदेश से, जिला कांगड़ा, ब्लॉक इंदौरा। तो ये मेरी प्राकृतिक खेती की जर्नी किस तरह से शुरू हुई। हम खेती तो बचपन से ही करते आ रहे हैं, मतलब हम एक किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, जहाँ पर हमारे मम्मी पापा दादा दादी ये सारे खेती करते थे। तो उनकी हेल्प करते रहते थे साथ में, पर वो तब क्या करते थे, रासायनिक खेती करते थे, यूरिया वगैरह का प्रयोग करते थे। पर 2-3 साल पहले प्राकृतिक खेती जब हमारे यहाँ पर आई तो हमने उसमें काफ़ी ज़्यादा रुचि दिखाई मेरी मम्मी जी ने, और हम वो जो ट्रेनिंग कैंप था वो हमारे घर पर ही लगा था, तो उसी के तहत मैंने भी प्राकृतिक खेती करना सीखी और मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी। तो इसलिए मैंने इसे और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए और ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट दिखाया, और मतलब जितनी भी खादें थी वो सारी बनाना अच्छे तरीके से सीख ली, और जो भी प्राकृतिक खेती के कीटनाशक होते हैं जो कि हमारी फसल में आने वाली बीमारियों को ख़त्म करते हैं वो भी सारे बनाना सीख लिए। तो हम धीरे धीरे मतलब इम्प्रूव हो रहे थे, हमारा यूरिया और जो घास ख़त्म करने वाली स्प्रेज होती है ऐसी हम अब कोई भी चीज़ का प्रयोग नहीं करते हैं, और हम इस खेती से काफ़ी ज़्यादा खुश है क्योंकि इसमें हमारा कोई खर्च भी नहीं लग रहा। और जो रासायनिक खेती जब हम करते थे तो हमें स्प्रेज से काफ़ी ज़्यादा एलर्जी हो जाती थी। जैसे आपको बताइए, अगर हम घास ख़त्म करने वाली स्प्रे खेतों में देते हैं तो हमें मास्क वगैरह पहन के करनी पड़ती है स्प्रे, और अगर हम खेतों में जाएंगे स्प्रे करने के बाद तो पैरों में जलन सी होती है, और मींस कि काफ़ी सारे लोगों को ऐसी काफ़ी सारी एलर्जीज हो जाती है उस इतनी ख़तरनाक स्प्रे से। बट जब हम प्राकृतिक खेती करते हैं तो ये गाय के गोबर और गुत्र पर आधारित है, तो इसमें जब हम कोई भी स्प्रे वगैरह बनाते हैं तो इससे हमें हमारी बॉडी को कोई इन्फेक्शन नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, मतलब आराम से सभी खेती कर सकते हैं। पर हम तो अभी इस खेती से बिल्कुल सेटिस्फाई हैं, बट हमारे यहाँ के लोग और आप सभी अभी तक रासायनिक खेती ही कर रही हैं। तो मेन मुद्दा मेरा डेली ब्लॉग बनाने का ये है कि आप भी थोड़ा मोटिवेट हो जाए प्राकृतिक खेती से और प्राकृतिक खेती को शुरू करें, क्योंकि इसके इतने से नहीं बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे कि मैंने आपको कल बताया कि प्राकृतिक खेती करने पर सरकार आपको सब्सिडीज़ भी प्रोवाइड करती है, जहाँ पर आपको जो भी प्राकृतिक खेती से रिलेटेड चीज़ें चाहिए वो सारी सरकार आपको उपलब्ध करवा रही है। फिर आपको क्या ही प्रॉब्लम होनी चाहिए प्राकृतिक खेती करने में, और इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। अगर आपको फिर भी लगता है कि रासायनिक बेस्ट है तो आप रासायनिक के फ़ायदे बता देना, मैं आपको प्राकृतिक की खेती के फ़ायदे भी, रिजल्ट्स भी, और बनाना किस तरह से, करना किस तरह से, सारी चीज़ें दिखा दूँगी। ठीक है, तो बातें काफ़ी ज़्यादा होगी तो चलो अब काम करते हैं, और आज आपको मैं रिजल्ट से दिखाऊँगी लहसुन प्याज हमारे SPNF मॉडल के और बरसीन के, जहाँ पर हमने जीवामृत दिया था, और ये हमारा किचन गार्डन है इसके भी आप रिजल्ट्स देख सकते हो। हमने मिक्स क्रॉपिंग की हुई है, मिक्स क्रॉपिंग भी हमारी प्राकृतिक खेती का एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है जो कि हमें अपनाना चाहिए, और इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। तो देख लो हमारा किचन गार्डन, फिर चलते हैं हम खेतों में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने गोभी, मूली और ये क्योलियाँ, नाइट्रोजन फसल, मटर, सब कुछ चीज़ें लगाई हुई हैं, और यहाँ पर भी मटर, गोभी, ब्रोकली भी लगाया था, वो हमने हार्वेस्ट कर लिया है, और प्याज भी लगाए हैं। थोड़ी सी जगह पर ही हमने हर एक वो चीज़ लगाई है जिसकी हमें नीड होती है, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमने टमाटर भी लगाए हैं
जो कि काफ़ी अच्छे से हमने एक ही पौधा लगाया इसका और वो काफ़ी अच्छे से ग्रो अप हो गया है और टमाटर भी काफ़ी अच्छे लगे हुए हैं इसमें। तो मतलब हर एक वो चीज़ लगाई है जिसकी हमें नीड होती है और जो इस सीज़न में लग जाएगी। कुछ दिन पहले ही हमने ये भिंडियाँ लगाई थी तो ये भी निकल आई हैं, ये भी हमने बीज अमृत करके लगाई थी और आप देख रहे होंगे हमने बेड भी बनाया है, बेड पे लगाई हुई है ये, तो बेड्स के भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। तो चलो अब चलते हैं हम खेत में और खेत के लहसुन और प्याज और बरसीन और कनक और मटर इन सब के रिजल्ट आपको दिखाते हैं ताकि आप भी प्राकृतिक खेती करने के लिए मजबूर हो जाए। तो क्या आप तैयार हैं हमारे खेत के रिजल्ट्स देखने के लिए? आपको पता है, आपको याद है कि हमारे जो लहसुन था और प्याज थे उनमें पीला रतुआ पड़ रहा था तो हमने क्या किया था, क्या किया था याद है? कुछ खट्टी लस्सी की स्प्रे की थी ना, क्योंकि वो दुनिया की नंबर वन फफूंदनाशक और पीले रतुए के इलाज के लिए सबसे बेस्ट स्प्रे है और वो भी बिल्कुल नेचुरल। और देखो भाई हमारे खेत का रिजल्ट, तो ये रहा हमारा लहसुन, ये जो सारा था ना ये बिल्कुल पीला पड़ गया था। तो जब से हमने लस्सी, खट्टी लस्सी की और साथ में जीव अमृत का प्रयोग किया है तो उन दोनों से काफ़ी बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं। और ये जो हमारा लहसुन है ये बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है, देख रहे होंगे आप, ये थोड़ा सा बचा है तो ये सूख जाएगा फिर और टूट जाएगा और फिर से ये तना ग्रो अप हो जाएगा और इससे काफ़ी अच्छी ग्रोथ चली हुई है। इसी प्रकार से हमारी खट्टी लस्सी और जीव अमृत इसमें बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं और रिजल्ट्स भी काफ़ी बढ़िया आ रहे हैं। देख रहे होंगे कि ये लहसुन काफ़ी बढ़िया हुआ है बाकियों के लहसुन के कंपैरिजन में। और आपको मैं एक बात बता दूं जो कि मैंने पहले भी बताई है कि जो ये लहसुन का बीज था ना ये बिल्कुल छोटा छोटा सा था, हालांकि जब हमने बीज लगाना होता है तो बिल्कुल बड़ा बड़ा लहसुन रखते हैं, तो इस बार हमारे पास नहीं था तो हम जो खाते थे लहसुन उसी का वही लगा दिया था हमने। और जीवामृत और घनजीवामृत और जंगल की कंडी और भी कई सारी ऐसी स्प्रेज है जो मैंने यहाँ पर की है प्राकृतिक खेती के घटकों की। तो देखो रिजल्ट्स आप खेत के खुद ही देख सकते हो कितने बढ़िया रिजल्ट्स आए हैं, इतने छोटे से लहसुन के इतने बड़े बड़े पौधे तैयार हुए हैं जो कि इससे पहले कभी भी नहीं हुए। तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा खुशी की बात है कि वाकई में जो हमारी प्राकृतिक खेती है वो इतना अच्छा रिजल्ट्स हमें पेश करके दे रही है। इतना तो कभी यूरिया वगैरह भी नहीं असर कर पाएंगे हम। तो मिट्टी के जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं ना वो ज़मीन के अंदर होते हैं और उन्हें एक अनुकूल टेम्परेचर चाहिए होता है जो कि ज़्यादा ना तो बहुत ज़्यादा हो और ना ही बहुत कम, ना ज़्यादा सर्दी उन्हें चाहिए होती है और ना ही ज़्यादा गर्मी। तो उसके लिए हम करते हैं मल्चिंग। ये सूखा घास जो हमने यहाँ पे डाला हुआ है ये हमारी ज़मीन के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, जिससे क्या है कि यहाँ पे जीव जो है ना काफ़ी ज़्यादा तैयार हो गए होंगे। और ये जो है ना जीव जैसे रात को ज़्यादा काम करते हैं, अगर हम मल्चिंग नहीं करते ना तो ये रात में काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं क्योंकि उस टाइम धूप ज़्यादा नहीं होती और बहुत ही अच्छे से ये अपना काम करते हैं। और अगर हम दिन में भी इनका वैसा ही माहौल बनाए रखेंगे और इनको अच्छे से काम करने का मौका मिलेगा तो ये दिन और रात दोनों टाइम जो है अच्छे से काम करेंगे और हमारी मिट्टी को भी अच्छे भुरभुरी बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी मिट्टी बहुत ही अच्छी भुरभुरी है और यहाँ पर जो पौष्टिक तत्व हैं वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, जिस कारण हमारा लहसुन की ग्रोथ जो है बहुत ही अच्छी हुई है। इसलिए आपको भी अच्छा दिन ज़रूर करना चाहिए ताकि अनुकूल टेम्परेचर बना रहे, सेम टेम्परेचर बना रहे, मतलब ताकि जो हमारे जीवाणु इसमें तैयार हो रहे हैं उनकी परिस्थिति बिगड़े ना और वो एक ही जैसा काम दिन रात करते रहें। तो ये था हमारा मल्चिंग और हमने अच्छे तरीके से यहाँ पर मल्चिंग भी की है, हमारे जो भी घटक हैं वो भी प्रयोग किए हुए हैं और ग्रोथ भी काफ़ी बढ़िया चल रही है। तो अब हम कहाँ जाएंगे, प्याज वाले खेत में और बरसीन वाले, मतलब एक ही खेत है वो, वहाँ पर हमने मिक्स क्रॉपिंग, मतलब एक साइड हमने प्याज लगाए हैं और एक साइड हमने सरसों के साथ बरसीन लगाया हुआ है, तो वो भी दिखाते हैं आपको। और वहाँ पर भी हमने प्राकृतिक घटकों का भरपूर प्रयोग किया हुआ है और वहाँ की ग्रोथ भी काफ़ी बेटर चली हुई है। तो चलो अब देखते हैं वहाँ के रिजल्ट्स। सो गाइज, ये है हमारा बरसीन का खेत जो कि बिल्कुल हमने नेचुरल तरीके से उगाया है, जहाँ पर हमने कोई भी रसायन का प्रयोग नहीं किया है, यूरिया डाया कुछ भी नहीं डाला है
और हाइट आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया है। और हमें साथ में लगाई है यहाँ पर सरसों, जो कि हमारी बरसीन को करती है नाइट्रोजन प्रदान, जिससे कि हमारा बरसीन और भी ज़्यादा बढ़िया हो गया। जैसे कि आप देख सकते हो इसके पास हम ये लगी हुई है ना सरसों, और सरसों ने इसे नाइट्रोजन प्रदान की है, जिसकी वजह से ये तना आप देख सकते हो कितना ज़्यादा बढ़िया हो गया है। तो ये आपको एग्जाम्पल मिल रहा है सह फसल का, मतलब किसी भी, जैसे हमारी मेन क्रॉप यहाँ पर बरसीन है कि हमने गाय के लिए चारा उगाया है, साथ में आपने नाइट्रोजन फसल ज़रूर लगानी है। नाइट्रोजन फसल मैं आपको बता दूं, जो कि फली वाली कोई भी फसल होती है, जैसे मटर हो गए, सरसों हो गई, दालें कोई भी लगा दो, माश की जो कि माह की दाल, उसमें भी फली होती है, और क्योलियाँ दिखाई आपको वो भी लगा सकते हो। तो ये आपको सीधा साधा एग्जाम्पल मिल रहा है कि अगर आप नाइट्रोजन फसल लगाते हो तो आपको इस प्रकार के रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और आप देख रहे होंगे कि हमारे बरसीन बिल्कुल हेल्दी है, ना ही इसे कोई बीमारी लगी है। तो ये है हमारे बरसीन के रिजल्ट्स। ये बरसीन भी हमने नेचुरल में लगाया था, इसलिए हम आपको ये भी दिखा रहे हैं। तो अब आपको दिखाते हैं अपने प्याज, जो कि हमने साथ में ही लगाए हैं, इसी खेत के साथ में वो साइड में लगाए हैं, तो वो भी दिखाते हैं। और उसके साइड साइड में भी हमने सरसों लगाई हुई है, ताकि हमारे प्याजों को पूर्णता जो है नाइट्रोजन मिल जाए। तो दिखाते हैं आपको, यहाँ पर हमने साइड में लगाए हैं प्याज, तो इनकी ग्रोथ आप देख सकते हो, देखो कितने बढ़िया प्याज हुए हैं। और यहाँ पर हमने दिया है जीवामृत, घन जीवामृत, जंगल की कंडी, सप्त धान्य अंकुर स्प्रे, तो ये तीन चार स्प्रेज और जीवामृत के साथ खट्टी लस्सी की स्प्रे, तो ये हमने की थी यहाँ पर। और साथ में हमने लगाया है यहाँ पर धनिया, मतलब हमने हर एक खेत में एक फसल के साथ दूसरी फसल ज़रूर लगाई है, ताकि हमें दोगुना फ़ायदा हो जाए, एक के साथ एक फ्री में मिल जाए। तो ये थे हमारे प्याज के रिजल्ट्स। तो अब चलते हैं हम कनक और मटर वाले खेत में, वहाँ पर हमने मटरों को भी हार्वेस्ट करना है, क्योंकि डेली हमारे मटर निकलते हैं वहाँ से, तो वो भी हार्वेस्ट करेंगे और दिखाएंगे आपको मटरों के भी रिजल्ट के सप्त धान्यों को देने के बाद हमारे मटरों की कंडीशन क्या है। तो चलो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने कनक वाले खेत में, और यहाँ पर हमारी मुख्य फसल हमारी कनक है। और आप देख रहे होंगे हमने बीच बीच में यहाँ पर एक लाइन लगाई है कनक की, और बीच में लगाए हैं मटर, ताकि जो नाइट्रोजन है वो दोनों तरफ से हमारी कनक को मिले, और कनक की ग्रोथ और भी ज़्यादा बढ़िया हो, और इसे हमें दोगुना मुनाफा हो रहा है। हमारी कनक भी बढ़िया चल रही है, और क्या हो रहा है, मटर से भी हमें मुनाफा हो रहा है, मटर भी काफ़ी अच्छे निकल रहे हैं, डेली हम उन्हें हार्वेस्ट कर रहे हैं और स्टोर करके रख रहे हैं, ताकि हम मंगलवार को अपने जो हमारा SPNF का स्टोर लगता है वहाँ पर लेकर जा सकें। तो अब हम फिर से आ चुके हैं आज ही से हार्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि मतलब चिड़ियाँ वगैरह होती है ना, वो खा जाती है, तो बीच बीच में से ये ढूंढ ढूंढ के निकालने पड़ते हैं पूरे खेत में से, काफ़ी बड़ा खेत है, तो इसलिए हम डेली इन्हें हार्वेस्ट करते रहते हैं और स्टोर करते रहते हैं, फिर मंगलवार को जाएंगे तो वहाँ सेल कर देंगे। तो यहाँ पर भी हमारे सप्त धान्य अंकुर स्प्रे ने काफ़ी अच्छा कमाल किया है, हमारे जो मटर की फलियाँ थी ना वो काफ़ी अच्छी भर गई हैं, और स्वाद भी काफ़ी बढ़िया आ रहा है, सुगंध और स्टोरेज कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी चल रही है। हमें हफ्ता हो गया मटरों को स्टोर किए हुए फ्रिज में, और काफ़ी फ्रेश से लग रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि अभी तोड़ के आए हैं, तो स्टोरेज कैपेसिटी भी जैसे बताया गया था सप्त धान्य अंकुर देने के बाद बढ़िया होती है, तो हमें देखने में भी मिल रहा है कि वाकई में सच में सप्त धान्य अंकुर देने के बाद इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़िया हो जाती है। तो ये था आज का हमारा प्राकृतिक खेती का ब्लॉग, क्योंकि अभी हमने मटर भी हार्वेस्ट करने और अंधेरा भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तो फटाफट से अब मटर हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो ये था प्राकृतिक खेती का ब्लॉग, इफ़ यू लाइक दिस देन लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल, ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और लाइक भी ज़रूर कर दिया करो। तो मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय।